हेलो एवरीवन, ये मेरा सिंगोनियम का प्लांट है और इसको मैं कटिंग से लगाई थी और ये बहुत ही आसानी से इसकी आप कटिंग लगा सकते हैं। कभी भी किसी भी सीज़न में ये इसकी कटिंग बहुत अच्छे से लग जाती है और इसके यहाँ जो मोटी डंडी होती है उसको भी आप मिट्टी में दबा देंगे तो ये हो जाता है और इसके पत्ते से भी आप इसको कभी मिट्टी में कटिंग करके फेंक भी देते हैं तो कभी कभी उससे भी प्लांट उगाता है। मेरा वैसे ही ये प्लांट उग गया था तो मैंने इसको अभी रिपोर्ट कर दी थी तो थोड़ा बड़ा हो गया है ये प्लांट मेरा अभी और ये बहुत ही सुंदर ये हरा भरा दिखता है और बहुत ही ग्रीन होती हैं इसकी पत्तियाँ। ज़्यादा धूप में रहने से ये थोड़ी सी वाइट हो जाती हैं और इसको मैं जब बड़ा प्लांट हो गया तो इस तरह के प्लांटर बना करके और मैं इसको दीवार में हैंग की हुई हूँ तो ये बहुत ही सुंदर दिखता है ऐसे। तो आप ऐसे भी इसको लगा सकते हैं जिससे आपके गार्डन और सुंदर दिखेंगे और इसके लिए भी सैंडी सॉइल ही होना चाहिए और उसमें वर्मी कंपोस्ट और मिट्टी मिला करके, मिट्टी और सैंड मिक्स कर करके आप इसकी मिट्टी को तैयार कर लें और बहुत ज़्यादा इसमें खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप जब मिट्टी तैयार करते हैं उसी समय में इसमें वर्मी कंपोस्ट थोड़ा सा मिक्स कर देंगे तो फिर ये अच्छे से चलता रहता है और बीच बीच में आप इसमें 2-3 महीने पर भी वर्मी कंपोस्ट डाल देंगे तो ये चलेगा। और इसको बड़े गमले में लगाएंगे, इसकी थोड़ी सी प्रूनिंग भी करती रहनी चाहिए। जैसे थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो उसकी पत्तियों को वहाँ से आप काट देंगे तो और घना घना ये प्लांट बहुत सुंदर दिखेगा और शेडी एरिया में रखने से फिर इसकी पत्तियाँ बहुत ही ग्रीन रहती हैं और ज़्यादा धूप में थोड़ी वाइट हो जाती हैं। तो आप इसको कटिंग से अभी लगा ही लें तो ये बहुत अच्छे से चलेगा और छोटे से छोटे गमले में भी ये बहुत अच्छे से चलता है, बहुत बड़े गमले की ज़रूरत नहीं होती है। और इसको छोटे बड़े सभी तरह के गमले में लगा करके आप इसको अपने गार्डन को ग्रीनी बना सकते हैं। तो इसको आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं और गार्डन को सुंदर बनाएं। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।